हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट के पेपर की सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए और CGVAPM सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास राजस्थान PSC का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें और 2013 में लिया हुआ था इन्होंने पेपर। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 ब्रिक द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रोंगर। मतलब थिकनेस वॉल की अगर 1.5 ईंट के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, 1.5 ब्रिक थिकनेस अगर हो, तो कौन सा बॉन्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस केस के लिए दो दो टाइप के बॉन्ड सुटेबल होते हैं, एक डबल फ्लेमिश बॉन्ड और एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, और रैकिंग बॉन्ड भी इसके लिए सुटेबल होता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, तो एक नंबर को टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। डबल फ्लेमिश बॉन्ड को थोड़ा सा और देखते हैं। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का, 1.5 ब्रिक थिक है, सिंगल भी 1.5 ब्रिक थिक है। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को समझने से पहले फ्लेमिश बॉन्ड देखते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? फ्लेमिश बॉन्ड ब्रिक्स की वो अरेंजमेंट है जिसमें एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर दोनों होते हैं अल्टरनेट, ठीक है। और उसी का उल्टा इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लाइन में पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर ही रहेगा या फिर हेडर हेडर ही रहेगा ऐसा, ठीक। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड, इस डबल का क्या मतलब है कि इसके फ्रंट में और इसके बैक में दोनों साइड आप जाके देखोगे तो दोनों साइड फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड किया हुआ होता है, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, बिल्कुल ऐसे। सिंगल फ्लेमिश में आप देखोगे तो सिर्फ एक तरफ में फ्रंट के साइड पे डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिया हुआ है, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, और बैक साइड में क्या दिया है, इंग्लिश बॉन्ड। ये देखो इसमें पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर है, ये टॉप व्यू है मतलब प्लान है, ये इसके नीचे में होगा हेडर हेडर हेडर, उसके नीचे फिर स्ट्रेचर, ये बैक साइड में, और फ्रंट साइड में कैसा डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल, क्योंकि एक साइड में फ्लेमिश बॉन्ड दिया है। इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि दो साइड में फ्लेमिश बॉन्ड दिया हुआ है। तो ये दोनों की मेजर डिफरेंस निकल जाती है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकेंड, सेकेंड क्या बोल रहा है, इन ए वुडन डोर स्टाइल इज, स्टाइल क्या होता है? तो स्टाइल क्या होता है, वो आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर, या मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर, और या फिर लास्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ हेड। तो स्टाइल होता है आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ शटर। इसका फोटो देख लेते हैं तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये है देखो स्टाइल, वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ डोर। अगर विंडो में बोलता तो भी इसको बोलते हैं स्टाइल, विंडो के केस में भी स्टाइल ही बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मेंबर को क्या बोलते हैं, रेल। यहाँ पर क्या होता है, डोर का लॉक लॉक लगा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉक रेल। ये नीचे में है इसलिए इसको इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को बोलते हैं बॉटम रेल, ये ऊपर में है तो इसको बोलते हैं टॉप रेल, और ये वाला भी अपर रेल, ये वाला टॉप रेल नहीं होगा सर। ये दो है अपर रेल या फिर टॉप रेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर, एयर चेंज पर आवर की रेट की डिजायर्ड वैल्यू क्या होगी वेंटिलेशन सिस्टम के लिए। इसका आंसर देखने से पहले यह समझते हैं कि एयर चेंज पर आर होता क्या है। एयर चेंज पर आर मतलब जैसे कि मान लो अगर हम लोग बोले कि वैल्यू है 60 एयर चेंज पर आर हम लोग वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये होता है कि जो एयर सप्लाई है हमारे रूम में वो उस रूम के वॉल्यूम का 60 गुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिज़ायर्ड वैल्यू क्या होती है, तो डिज़ायर्ड वैल्यू होती है 20, ठीक है। 20 का मतलब है कि एयर सप्लाई जो है हमारे रूम की
वो रूम के वॉल्यूम का 20 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्विक लाइम बनता कैसे है? देखो, जब लाइमस्टोन की हम लोग हीटिंग करते हैं, लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन करते हैं, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है ये? यहाँ पे है। टू को टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो प्रेशर स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन में प्रेशर कैसे एक्ट करेगा? तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन रहेगा, या एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। तो इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन का मतलब क्या होता है, जब फोटो देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये है बेडिंग प्लेन और ये है बेडिंग प्लेन। एक लेयर जैसा होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो दो बेडिंग प्लेन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वन बेड। और लोड कैसा लगता है? ये बेडिंग प्लेन है तो लोड ऐसे वर्टिकल लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन लोड इसमें लगता है स्टोन मसनरी कंस्ट्रक्शन में। तो आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स में क्या बोल रहा है? एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू लाइम, आयरन, ऑर्गेनिक मैटर या फिर अल्कलीज। तो एफ्लोरेसेंस क्या होता है? ब्रिक्स में, ब्रिक के सरफेस में वाइट पैचेस दिखने लगते हैं, उस वाइट पैचेस को क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस। ये किसके कारण होता है? ये अल्कली के कारण होता है। सीमेंट में भी पड़े थे एफ्लोरेसेंस, उसमें भी किसके कारण होता है? अल्कली के कारण। और ये अल्कली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सोडा और पोटाश के फॉर्म में ये अल्कली प्रेजेंट होता है, जो कि जिम्मेदार, जो कि एफ्लोरेसेंस कराता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर, डिजीज ऑफ टिम्बर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। तो ये होते हैं डिफेक्ट्स, टिम्बर के डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स वो भी किसके कारण? फंगी के कारण, फंगी के कारण। तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ टिम्बर ड्यू टू फंगी। देखो, इसमें ड्राई और वेट के अलावा अगर किसी में कलर लेके बोल के पूछा है ना, जैसे कि वाइट, ब्लू, ब्राउन, ये सब आता है, तो ये सब डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी के अंदर पे आते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एट नंबर का रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की। बॉक कंपाउंड मैकेनिज्म वाला जो लेक्चर कराया है, उसमें ये सब चारों की प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। ये एक दिन में सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट कर लेता है, और एक दिन में ये गायब भी हो जाता है। इसलिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इनिशियल सेट, क्योंकि एक दिन की जो भी स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, वो C3A के कारण ही होती है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट भी एक दिन में रिएक्शन अपनी ख़त्म कर लेता है, लेकिन स्ट्रेंथ में इसका कोई खास योगदान नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ नंबर का। इसको जूम कर लें। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन, ठीक है, स्प्रिंगिंग लाइन और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्क इज नोन एज। आर्क के इनर कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच और स्प्रिंगिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं राइज। ठीक है, ये देखो,
ये हमारा आर्क बना हुआ है, ठीक। इन दोनों को बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंगिंग पॉइंट। इसको और इन दोनों स्प्रिंगिंग पॉइंट को जोड़ती है एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस स्प्रिंगिंग लाइन और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इनर कर्व, ये कर्व है आर के कर्व के शेप में रहता है, तो ये ऐसा होता है असली में। तो ये इनर कर्व के हाईएस्ट पॉइंट और स्प्रिंगिंग लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं राइस। अब यहीं पे समझ लेते हैं स्पैंड्रल किसको बोलते हैं, स्प्रेंडल, क्योंकि ये भी पूछ सकता है स्प्रेंडल। दो आर्क, जैसे ये एक आर्क है और ये एक और आर्क है, ये दोनों जब हम लोग अगल बगल बनाए इन दोनों के, ठीक है। इससे पहले मैं इन दोनों को बता देता हूँ, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आएगा। ये कर्व है आर्क, इसके इनर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं? जब यहाँ पे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो इनर वाला सरफेस दिखेगा, इसको बोलते हैं इंट्राडोस। और जब यहाँ से हम लोग देखेंगे ऊपर, तो ऊपर बाहर वाला सरफेस को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडोस, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडोस। और एक्स्ट्राडोस के हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्राउन। एक्स्ट्राडोस के हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं क्राउन, और इनर वाले सरफेस को बोलते हैं इंट्राडोस, ठीक है। अब देखते हैं स्पेंड्रल। स्पेंड्रल क्या होता है? जब दो आर्क अगल बगल बनाते हैं, ठीक है, दो आर्क अगल बगल बनाए, तब ये दो एक्स्ट्राडोस, इसका बाहर वाला, इसका बाहर वाला, दो एक्स्ट्राडोस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्राउन के थ्रू जाती है, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बना, ये लाइन इधर भी जाएगी, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इधर इधर इधर, इसी को बोलते हैं स्पेंड्रल। जब इसका फोटो देख लेते हैं तो चीज और क्लियर हो जाता है। ये देखो स्पेंड्रल, क्या बोला था? एक्स्ट्राडोस का आउटर और क्राउन के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला के एक ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्पेंड्रल। ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं स्पेंड्रल। इमेजिन, तो स्प्रिंगिंग लाइन पढ़ लिए, स्प्रिंगिंग पॉइंट देख लिए, राइज देख लिए, इंट्राडोस, एक्स्ट्राडोस, स्पेंड्रल देख लिए और क्राउन देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिंग एंड बॉल अपरेटस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमेन। बिटुमेन की टेस्ट करते हैं तो रिंग एंड बॉल किस लिए यूज होता है? पेनेट्रेशन मेजर करने के लिए, डक्टिलिटी मेजर करने के लिए, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए, या फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए। रिंग एंड बॉल अपरेटस को और क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट अपरेटस। तो ये मेजर करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट को। इसका भी फोटो देख लेते हैं। ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट सेटअप। सॉफ्टनिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर, इसको हम लोग हीट करते हैं, ये बिटुमिन रखा हुआ है, वो टेम्परेचर जिसमें ये बिटुमिन फॉल करके ये नीचे टच कर गया है, इसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर में ये टच हुआ उसको नोट किए और उसको बोल दिए सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये बीच का डिस्टेंस कितना है, ये गिरना कितना चाहिए, ये गिरना चाहिए 1 इंच, या फिर इसको बोल सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर। जब ये गिर जाता है तो जिस टेम्परेचर पे इतना मेल्ट हो जाए कि नीचे टच कर जाए, उस टेम्परेचर को बोल देते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन टेस्ट। पेनेट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? हार्डनेस मेजर होता है। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसके लिए होता है विस्कोसिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी किससे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट से मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट और कहाँ
यूज़ होता है सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर। एरर ड्यू टू बेड रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिव या फिर नेवर सीरियस। तो ये होता है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। इस क्यूमुलेटिव पॉजिटिव इस एरर को एक एग्जांपल से समझते हैं। क्यूमुलेटिव एरर को और बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, जैसे कि हम मान लो हम एक स्टील टेप से किसी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, ये लेंथ है, इसको हम लोग किसी स्टील टेप से मेज़र कर रहे हैं, मान लो कि टेम्परेचर के कारण इसमें एरर आ गया, जैसे कि ये स्टील टेप अपना एक्सपेंड कर दिया, तो इसमें एरर आएगी। इसमें हम लोग रेंजिंग रॉड लगाते जा रहे हैं, एक एक डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, फिर रेंजिंग रॉड लगा रहे हैं, तो टेप में जो हमारे एरर आ गई है टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड कर गया है, तो ये लेंथ गलत मेज़र कर रहा है। तो क्या ये वाला लेंथ के साथ ये इस टेम्परेचर के कारण ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, तो क्या मतलब हर लेंथ में एरर आ रहा है? ठीक है, हर रीडिंग में गलती होगी, तो ये एरर कैसा चलता जा रहा है? एक सिस्टम में चलता जा रहा है, सिस्टमेटिक वे में चलता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैड रेंजिंग रेंजिंग बैड रेंजिंग एरर, और इसलिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th नंबर। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डेक्लिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज। जीरो डेक्लिनेशन जितने भी हैं उसको जोड़ दिए एक लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। डेक्लिनेशन सबसे पहले समझते हैं कि डेक्लिनेशन क्या होता है। डेक्लिनेशन मतलब ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से कितना डेक्लिनेशन है उनके बीच में। ये हो गया ट्रू मेरिडियन, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच की एंगल, इसको बोल दिए डेक्लिनेशन। अब ये राइट साइड में हुआ है, मतलब ईस्ट के साइड में हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेक्लिनेशन। अगर ये इस साइड पे हुआ रहता, मतलब वेस्ट के साइड में, तो इसको बोलते नेगेटिव डेक्लिनेशन। इसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, या फिर सिंपली बोल देते हैं डेक्लिनेशन। तो इसके भी इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो क्या ये डेक्लिनेशन हमेशा सेम रहता है? नहीं, ये वेरी करते रहता है। कैसे वेरी करता है? प्लेस टू प्लेस एट द सेम टाइम, या फिर टाइम टू टाइम वेरी करता है किसी सेम जगह पे। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, कहीं पे हमने डेक्लिनेशन मेज़र किया, टाइम को हम लोग कांस्टेंट करते हैं इसमें, मान लो दोपहर के 12 बजे हमने डेक्लिनेशन मेज़र किया अलग अलग जगह पे, मेज़रमेंट का वैल्यू है एक्स डिग्री, तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स डिग्री है, मान लो यहाँ 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 एक्स डिग्री सेम आया, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, आइसोगोनिक लाइन, जहाँ पर सेम डेक्लिनेशन वालों को जोड़ने वाली लाइन, आइसोगोनिक लाइन। अब मान लो अगर ये एक्स डिग्री आया, अब मान लो ये कहीं ज़ीरो डिग्री आता है डेक्लिनेशन, तो जहाँ जहाँ ज़ीरो डिग्री है सबको जोड़ दिए, तो ज़ीरो डिग्री वाली लाइन को, जीरो डिग्री डेक्लिनेशन वाली सारे लाइन को, सारे पॉइंट को हम लोग जोड़े, तो जो इमेजिनरी लाइन इन ज़ीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ती है उसको बोलते हैं अगोनिक लाइन। मतलब अगोनिक लाइन आइसोगोनिक लाइन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डेक्लिनेशन, ज़ीरो डेक्लिनेशन वाला लाइन हम लोग क्या बोले? अगोनिक लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अगोनिक लाइन। अगर डेक्लिनेशन का वैल्यू ज़ीरो के जगह पे कुछ और होता, 2 डिग्री 3 डिग्री या कुछ भी होता, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, और डेक्लिनेशन की जगह अगर डिप का बात करते हैं तो क्या हो जाता है? आइसोक्लिनिक लाइन, या फिर ज़ीरो डिप को बोल देंगे अक्लिनिक लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन लाइन, जिसमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है जिस लाइन पे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अगोनिक लाइन आइसोगोनिक लाइन का एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का।
द कर्व्ड सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज नोन एज, मतलब एक कर्व सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर अगर निकालें, परपेंडिकुलर की लाइन खींचें, तो वो किधर जाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगा, तो उस कर्व सरफेस का नाम क्या है, अ लेवल लेवल प्लेन, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि ये अपना डेटम है, डेटम क्या लिए है, मीन सी लेवल लिए, ये एक डेटम है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजरमेंट ले रहे हैं, ये टेलीस्कोप से ये क्या लाइन गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अगर टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज इक्वल टू लाइन ऑफ साइट फॉर हॉरिजॉन्टल टेलीस्कोप। अगर ये टेलीस्कोप इंक्लाइंड रहेगा तो क्या बोलेंगे, तब लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, तो ये लाइन ऑफ साइट किसके परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन ऑफ साइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लम्ब लाइन के। सब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहा हूँ। जब इस इंस्ट्रूमेंट के हम लोग सेंटरिंग करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, प्लम्ब बॉब, ऐसे नीचे वर्टिकल में लटकाते हैं ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो जो ये जिस लाइन में ये रहता है उसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन। तो ये हो गया प्लम्ब लाइन। अब ये साइड करेंगे, अगर छोटी डिस्टेंस के लिए क्या है, ये लाइन स्ट्रेट रहता है, लेकिन अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो ये क्या होता है, सीधा तो नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है, तो इस टाइप से इसकी मेजर करते हैं। तो ये है एक सरफेस बना, कैसा सरफेस, एक कर्व सरफेस। अब हम लोग इसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग मेज़र करें तो ये किधर जा रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, और किसके पैरेलल है, प्लम्ब लाइन के पैरेलल है। इस कर्व सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लेवल सरफेस। ठीक है, लेवल सरफेस की किसी भी पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे मीन सी लेवल तक, तो वो सेम आएगी। यहाँ से मेज़र कर लो उतना ही डिस्टेंस, ये वहाँ ये वाला मेज़र कर लो सेम डिस्टेंस, यहाँ मेज़र कर लो सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो लेवल सरफेस मीन सी लेवल के पैरेलल रहती है और इस और प्लम्ब लाइन के पैरेलल रहती है जब हम इससे कोई लाइन खींचते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, लेवल सरफेस पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोडोलाइट का क्वेश्चन है। स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। क्या होगा, पहला एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट। तो इसका आंसर होगा एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है अपना, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। ये है या नहीं है, ये किससे टेस्ट करते हैं, इसी को टेस्ट करते हैं स्पायर, इसी को टेस्ट को बोलते हैं स्पायर टेस्ट। और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के इस ये कौन सा टेस्ट होता है, प्लेट लेवल टेस्ट। और क्या लाइन होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को बीटी लिख देता हूँ। ये पैरेलल होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल आर्क
वर्टिकल आर्क, इंडेक्स, टेस्ट। एक और है लाइन ऑफ कॉलिमेशन पर क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को और क्या बोलते हैं, टर्नियन एक्सिस। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये कैसे चेक करते हैं, अजीमूथ टेस्ट परफॉर्म करके। ये चेक करते हैं अजीमूथ टेस्ट। इन सब लाइनों को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट बोलते हैं। ठीक है, ओके, फिर अभी यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।